Welcome back to Jane episode being absolutely fine. So what an episode it was, and because it's final episode, so I don't have anything react to the next teaser or the next promo. But episode जिस तरीके से end होता है, it is super super amazing. So अगर आपने पिछला episode देखा नहीं होगा तो आपको उतना पता नहीं होगा कि it is in this episode because पिछले episode में Princess Rhaenyra is about to become into Queen Rhaenyra in this episode, and because of the death of her father who is King Viserys, and but वो होने से पहले, because she was the true heir, but वो होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि एमन को वो लोग किंग घोषित कर देते हैं. एंड इसके हिसाब से रेनी टारगेरियन जो उनकी ग्रैंड मदर रहती है उसे वो बिल्कुल भी चीज़ सही नहीं लगती. एंड शी काइंड ऑफ टेक्स हर ओन ड्रैगन, गेट्स आउट ऑफ देयर एंड गोज एंड वॉर्न्स रेनेरा. सो इस एंटायर एपिसोड में हमें खाली इतना देखने मिलेगा कि किस तरीके से वो अपनी कोशिश करेगी टू गेट हर ओन पोजिशन बैक, एंड ये करते समय उसको कितनी ज़्यादा कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, विच इज़ हर ओन सन. येस, देर इज़ अ ब्रूटल डेथ एंड इट इज़ हर क्यूट लिटिल सन, जो डेफिनेटली हमने देखा ही था बिकॉज जिस तरीके से वो उन्हें सी ऑफ करती है. सो एंटायर प्लान उनका जो रहता है कि शी डज वॉन्ट टू गो ऑन द पार्ट विच इज़ हर फादर्स. लाइक उसके फादर एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो एंटायर किंगडम था वो बहुत पीसफुली उनका पूरा रेन रहा था, एंड उसे भी वही कंटिन्यू करना होता है. उसे कोई वॉर नहीं चाहिए रहता, उसे कोई स्पेसिफिक बैटल नहीं चाहिए रहता है. सो इवन बिफोर डेमन गेट्स वेरी मच एग्रेसिव, डेमन को तो पूरी वॉर को जाने का एक बहाना चाहिए रहता है. एंड इवन एमन एंड एलिसन काइंड ऑफ सेंस काइंड ऑफ पार्ली, जो एक काइंड ऑफ समझौता रहता है उनके बीच में कि इफ़ शी बेंड्स हर नी टू द न्यू किंग, ऐसा कुछ वॉर वो लोग उनके साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे. एंड एंटायर एपिसोड में ये सस्पेंस बना होता है कि कौन पहले वॉर स्टार्ट करेगा. एंड रेनेरा का ओनली एम इसमें ऐसा होता है कि शी शुड नॉट स्टार्ट द वॉर फ्रॉम हर एंड. इसलिए उसे जो भी अपने बैनरमैन रहते हैं उन्हें वो अप्रोच करती है, एंड हर मेन मोटिव इज़ टू गेट एज मच एज पीपल एज शी कैन फ्रॉम हर ओन साइड. अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वेलेरियन हाउस है वो भी उसके साथ है, एंड उसका जो भाई रहता है, इवन दो उसे उसका सर काट के डेमन काइंड ऑफ किल्स हिम, बट उसका जो एल्डर ब्रदर रहता है हु इज़ कोलिस, लॉर्ड कोलिस, ही रिटर्न्स बैक. एंड वो एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ रिटर्न होता है कि जो स्टेप स्टोन रहते हैं उस पर वापस से उनका कब्जा हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन क्रॉस द नैरो सी एंड डायरेक्टली ट्रैवल टू मोर क्लोजर टूवर्ड्स किंग्स लैंडिंग. एंड अभी उन्हें एक ही जो अच्छा एक एडवांटेज अभी जो चाहिए रहता है, दैट इज़ मोर सपोर्ट ऑन द ग्राउंड. बिकॉज डेमन एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स करता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स है एज़ कम्पेयर टू द हाई टावर्स एंड द टारगेरियंस. बट रेनेरा का अगेन वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि उसे किसी भी तरीके का वॉर फिलहाल तो चाहिए नहीं रहता. तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते करते शी गोज टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट हाउसेस, एंड ऐसा करते समय अपने जो दो बेटे रहते हैं उसके, वो खुद एक्चुअली उसे सजेस्ट करते हैं कि रादर देन सेंडिंग समवन एल्स, क्या वो खुद जा सकते हैं अपने ड्रैगन्स लेके. सो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव मैसेज. सो अगले सीजन में हमें विंटरफेल देखने मिलेगा विच इज़ डेफिनेट डेफिनेट ऑसम. एंड इस एपिसोड में हमें और एक जगह देखने मिली विच इज़ द स्टॉर्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर सेकेंड सन जो है वो वहाँ पे खुद चला गया, बट वहाँ पे जाने के बाद उसे ये समझा कि वहाँ पे एमन टारगेरियन था, वही लड़का जिसका आँख उसने काट दिया था. एंड वहाँ पे एक एमरल्ड है, ब्लू कलर शाइनी स्टोन, एंड वो उसे बैटल करने की धमकी दे देता है. बट दैट किंग वॉज दैट दैट लॉर्ड वॉज काइंड इनफ कि वो उसे अपनी स्पेसिफिक एटलीस्ट कासल में वो बैटल करने नहीं देता. बट जैसे ही वो अपने ड्रैगन को लेके वापस ड्रैगन स्टोन की तरफ निकलता है, जो प्रिंस एमन का ड्रैगन है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट ड्रैगन हु इज़ अलाइव विच इज़ वगार, जो पहले दूसरी एक ड्रैगन राइडर का था जो अनफॉर्चुनेटली उसे मरना पड़ा, डेमन की जो वाइफ थी वो. बट नाउ उनके बीच में जो मुकाबला होता है दैट इज़ सुपर सुपर क्रेजी. VFX इज़ सुपर सुपर ऑसम. एंड जिस ऐसे लगा ही था कि ही हैज़ काइंड ऑफ एस्केप्ड फ्रॉम बगार, कि वो उसके ऊपर एक
फायर कर देता है एंड उसके बाद जो वगार काइंड ऑफ गेट्स एजिटेटेड एंड शी काइंड ऑफ जस्ट गोज एंड बाइट्स हिम ऑफ. ऑफ कोर्स दोनों की डेथ हो जाती है, उसका ड्रैगन एंड वो भी. एंड तभी एमंड की लिटरली ऑलमोस्ट फट जाती है कि नाउ ही इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट. एंड एट द एंड जो स्लो मोशन में डेमन आके रेनेरा को बताता है एंड शी जस्ट टर्न्स एंड हर आईज लुक इन टू द स्क्रीन एंड इट इज़ एज इफ Dracarys and now the fire is going to literally spill on everyone and इस तरीके से probably episode season number 2 की start होगी. but approximately 2 साल हमें इसके लिए रुकना पड़ेगा which we're definitely not ready for and that is it for the quick story recap of what happens in episode number 10 of House of the Dragons. it is super 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 crazy, super 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 awesome. do let me know your thoughts in the comments below and please 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 subscribe to my channel if I haven't subscribed yet and I'm meeting you in the next video.